नालायक, दुनिया सुधर गई लेकिन तू नहीं सुधरा। चल आज तू मदान, तू मदान। सुखर तू काय को अल्लाह बचा रहे? अल्लाह नहीं बचाऊं तो क्या करूं? क्यों? अपने बेटे को संभाल ले। क्या किया मेरे बेटे ने? उसे कुछ करना तो है नहीं, मोहल्ले के लड़कों को और बिगाड़ रहा है। अच्छी बात है। हाँ ठीक है, चल तुझे तो मैं घर देखूंगा। क्या करूं इस लड़के का? बाबा मदन का घर यही है? हाँ मैं ही मदन हूँ, आओ बैठो। नमस्कार जी, हम आपके अपना बैंक से आए हैं। आपने अब तक किस्त नहीं भरी है इसलिए मजबूरन हमें आपके पास आना पड़ा। ठीक है बेटा, मैं जल्दी ही किस्त भर दूंगा। फसल मंडी में पड़ी है, पैसा आते ही तुरंत जमा कर दूंगा। देख लो बाबा, आप पे 3 लाख रुपए बकाया है। अगर आपने बैंक का लोन नहीं भरा ना, जिस खेत पे आपने लोन लिया है उस खेत पे बैंक का कब्जा हो जाएगा। बाबा आपके पास 6 महीने का टाइम है, या तो इसको टुकड़ों में भर दो या फिर एक साथ भर देना। बाबा आप इस पे साइन कर दीजिए। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कीजिए। ठीक है। नमस्कार बाबा। नमस्कार जी। बाबा कौन थे ये? बैंक वाले थे। और कौन थे? बैंक वाले। आ गया तू? तेरा नाम विकास इसलिए रखा था कि तू घर का विकास करेगा, लेकिन तूने घर की इज्जत का और हमारी इज्जत का विकास की जगह विनाश किया। अरे अपनी नहीं तो कम से कम मेरी इज्जत का तो ख्याल किया होता। तूने मेरी इज्जत भी मिट्टी में मिला दी। बैंक वाले 6 महीने का टाइम दे के गए। अगर 6 महीने में पैसा नहीं पहुंचा तो जिस खेत पर लोन लिया है उस खेत पर बैंक का कब्जा हो जाएगा। दिमाग खराब है मेरा, क्या करूं मैं? बापू सब ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत लिया करो। क्या खा ठीक हो जाएगा? बकवास करता है क्या? ना जा मेरी आंखों के सामने से। जैसे मुंह लटका के बैठा हुआ है, किसी ने तेरी भैंस खोल ली क्या? पूछ मत यार। यार भी बोल रहा है और बता भी नहीं रहा है, क्या बात है? यार घर पे बैंक वाले आए थे, वो बाबा ने लोन निकाला है ना खेत पे, कह रहे थे 6 महीने में अगर नहीं भरा 3 लाख रुपए तो खेत पे कब्जा कर लेंगे। टेंशन क्यों ले रहा है यार? यार टेंशन इसलिए ले रहा हूँ, पैसे कहाँ से लाऊं ये समझ नहीं आ रहा मुझे। चल कोई नहीं, दोनों भाई कुछ ना कुछ करेंगे, और दोस्त मुसीबत के समय काम नहीं आएगा तो कब काम आएगा। चल कुछ ना कुछ जुगाड़ करते हैं इंतजाम। दोस्तों क्या विकास और उसका दोस्त 3 लाख रुपए का इंतजाम कर पाएंगे? जानने के लिए देखिए अगला भाग।